अगर आप UPI ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर हो सकती है। बदलते वक्त के साथ ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI आम लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। आप जब भी बाजार जाते हैं या किसी दुकान पर या कहीं पर भी जहां आप खरीदारी कर रहे होते हैं या लेन देन का काम कर रहे होते हैं तो आप UPI का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अब UPI को संचालित करने वाला नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने 24 मार्च 2023 को जारी किए गए सर्कुलर में बड़ी बात कही है। कहा है कि UPI से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI फीस लागू की जाएगी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए व्यापारियों को 2,000 रुपए से ज्यादा के पैसे ट्रांसफर करता है तो ऐसी स्थिति में इसे इंटरचेंज फीस देना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि PPI के अंतर्गत कार्ड और वॉलेट आता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने छपी रिपोर्ट के मुताबिक NPCI के सर्कुलर में 2,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर ही ये इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा। ये फीस आमतौर पर 2,000 रुपए से ज्यादा की राशि का कुल 1.1% होगा। NPCI ने अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग इंटरचेंज फीस तय की है। कृषि और टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे कम इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा। ये चार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वाले यूजर्स को ही देना होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन के मुताबिक बैंक अकाउंट और PPI वॉलेट के बीच पीयर टू पीयर और पीयर टू पीयर मर्चेंट यानी P2PM में किसी तरह का ट्रांजैक्शन करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस नए नियम को 1 अप्रैल से लागू करने के बाद NPCI इसकी समीक्षा 30 सितंबर 2023 से पहले करेगा। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि अब अगर आप UPI से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ये खबर जान लेना जरूरी है। जाहिर है ये उपभोक्ताओं के लिए बड़े झटके जैसा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।